मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका ट्रेवल विद एक्स वाई जेड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो फिलहाल अभी हम खड़े हैं सारनकोट, जो कि पोखरा सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी में है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो पोखरा एयरपोर्ट से, तो पोखरा एयरपोर्ट से सारनकोट अगर आप आओगे तो करीबन आपको 25 किलोमीटर की दूरी का रास्ता तय करना पड़ेगा। और जो रिसॉर्ट हमने बुक करा है वो है भजियांग विलेज। तो आइए हम आपको खूबसूरत रिसॉर्ट का व्यू दिखाते हैं। तो ये है खूबसूरत भजियांग विलेज, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, बार, और ये है सारनकोट, आप देख सकते हो। तो लेट्स गो इनसाइड। तो आइए अब अंदर चलते हैं, भजियांग विलेज रिसॉर्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टी बुक करी है वो यहाँ है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी द व्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वाओ, हर रूम्स के बाहर चेयर्स लगी है बैठने के लिए। डोर्स वगैरह में थोड़ा बहुत वुडन इंटीरियर करा हुआ है, वुडन फ्लोर। अंदर चलते हैं। टेबल फैन लगाया है, बहुत ही खूबसूरत टू बेड्स है, ड्रेसिंग टेबल, दिस नीट एंड क्लीन बाथरूम। ये देखिए पीतल का, हाथ धोने वाला भी पीतल का बना रखा है। हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शैम्पू, मस्त रिसॉर्ट है। गर्म पानी के लिए ऊपर गीजर लगा हुआ है। तो इस रिसॉर्ट का जो बाहर का व्यू है इस तरह से। क्रीपिंग ऑफ बर्ड्स एवरीवेयर, वंडरफुल। ये है एंट्री ऑफ रिसॉर्ट रूम। या सो वी आर फ्लाइंग द ड्रोन। लवली वाइब्स। जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से अलग अलग हर्ट्स बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे है रिसेप्शन एंड रेस्टोरेंट। तो लेट्स सी द रेस्टोरेंट, चलिए चलते हैं रिसेप्शन की ओर। ओ वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल व्यू, भजियांग विलेज। तो इस रिसॉर्ट में अगर आपने बुक किया है तो आपको ये खूबसूरत, ये सेक्सी सा बादल और ये जन्नत आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है इनका लॉन्च बार। यहाँ पे आप बैठ के ड्रिंक इंजॉय कर सकते हो, अपना ब्रेकफास्ट डिनर कर सकते हो, और अगर बाहर बैठ के करना है तो बाहर बैठ के भी कर सकते हो। और बाहर बैठ के ये खूबसूरत आनंद मज़ा ले सकते हो इस जन्नत का, बादलों का। वाओ, ब्यूटीफुल, मतलब पूरी चारों तरफ आपको ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा अगर आपने भजियांग विलेज रिजॉर्ट बुक करा है तो। यहाँ पे भी बैठ सकते हो। तो इतने खूबसूरत बादलों के बीच में यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ कर रही है फोटो सेक्शन, क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है तो फोटोग्राफी तो बनता है। ब्यूटीफुल व्यू,
pretty girl. तो भजियंग विलेज रिसॉर्ट से हमने ये ब्रेकफास्ट बुक करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑमलेट, ब्रेड, फ्रूट, सलाद सब कुछ है, फ्रेश एकदम, और इंडियन देसी खाना भी है, पूरी भाजी टाइप से, ये दम आलू है। कैसा लगा खाने में? मर्च एकदम स्पाइसी मिर्ची वाला। आपको कैसा लगा? अभी नहीं खाया मैंने, नहीं खाया। तो बहुत ही अच्छा है, कॉफी देखिए एकदम गर्मा गर्म, हॉट कड़क। तो खा के देखते हैं कैसा है। तो आइए अब चलते हैं भजन रिसोर्ट के बार और लॉन्च में। तो ये है बार, इस तरह से है, यहाँ पे बैठ के आप अपना ड्रिंक वगैरह कर सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हो, प्लस आप गिटार बजा के म्यूजिक इंटरटेनमेंट अपने आप को कर सकते हो। तो वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है तो ठंडा भी नहीं लगेगा, तो बाहर भी बैठ सकते हो अंदर भी बैठ सकते हो। ब्यूटीफुल बार एंड लॉन्च ऑफ भजन रिसोर्ट। तो यहाँ पे ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी अच्छी है, हर तरह की ड्रिंक्स मिलेगी, और मोमोज यहाँ पे हमने मोमोज खाए थे, बहुत अच्छे थे, बेसिक ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। तो अंदर भी बैठ सकते हैं और बाहर भी बैठ के आप दोनों तरीके से जो जैसा कंफर्ट लगे वो आप कर सकते हो। भजियंग विलेज, और यहाँ पे आपको हर जगह खूबसूरत ऐसे प्यारे प्यारे फ्लावर्स कलरफुल देखने को मिलेंगे। एक तो वेदर इतना सुहाना और पास में इतने खूबसूरत गुलाबी गुलाबी फूल लगे होते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी आप फूलों के पास बैठ के मज़े ले सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, चारों तरफ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। तो इस तरह से देखियो, ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, एकदम टॉप ऑफ पे, एकदम हिल पॉइंट पे है ये रिसॉर्ट, और बीच में ही आपको अपना रूम मिल जाएगा, जैसे ये रूम है ये बीच में ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई है, और यहाँ से ये नज़ारा देख सकते हो, फिलहाल अभी बादलों से घिरा हुआ है। तो अभी हम भजियंग विलेज के एकदम टिप टॉप ऑफ द पॉइंट पे आ गए हैं, और ये है जहाँ पे, यहाँ पे बैठ के आप अपने सनराइज या सनसेट का मज़ा लुफ्त ले सकते हो। और जैसे कि आप देख सकते हो भजियंग विलेज 5032 फिट ऊपर है भजियंग विलेज, और ये है सराउंडिंग एरिया, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, और पास में ही देखिए आप पूरा छोटा सा विलेज बसा हुआ है, और अभी हम फिलहाल खड़े हैं सबसे ऊपर, मतलब विलेज नीचे और हम एकदम टॉप, और यहाँ पे बिल्कुल फॉग, मिस्टी वेदर, स्वीट एंड रोमांटिक, क्लाउड से ढका हुआ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं फिलहाल। तो चारों तरफ हिल्स एंड ग्रीनरी है, और छोटे छोटे यहाँ पे देख सकती है हट्स है, छोटा सा विलेज है, ये देखिए लोग चल रहे हैं, और वहाँ आप देख सकते हो एटीएम है, तो एटीएम से भी हम पैसे वैसे निकाल सकते हैं। और तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है फॉग, और बीच में ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, और सीढ़ियाँ अभी और बन रही है, बनते बनते ये टॉप जो टावर दिख रहा है ये है मोबाइल टावर, तो यहाँ तक सीढ़ियाँ बन जाएगी, और जस्ट बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है ये प्यारा सा छोटा सा विलेज। तो वापस ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं, और सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्नेक की तरह गोल गोलाई में है। चलिए चलते हैं हम अंदर, फॉग फॉग एवरीवेयर। तो रात को कुछ मस्तियाँ करती हुई, हाय 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 हम पिया तो इनको किक मार रहे। ट्रेवल विथ एक्स वाई जेट का डांस करने का अंदाज। डालना मत कहीं पे, वायरल कर दूंगी अभी देखियो। तो प्यारा सा इस रिसॉर्ट के अंदर हमें मिले एक जर्मनी का दोस्त। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, हाय।
What's your name? Steffi. So you are from? From Germany. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस रिसोर्ट में सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। ये भी बाहर से ही हैं, मैम भी बाहर से ही हैं। तो अब नज़ारा खूबसूरत रिसोर्ट का इतना अच्छा है तो बनता ही है। तो कैसा लगा यहाँ पे इंडियन पीपल्स के पास आके, रिसोर्ट में आके? ओके, टॉक टू इंग्लिश। सो आई वॉन्ट टू नो यू दैट डू यू लाइक इंडिया? Yes, you like it in this place? Rishikesh. I'm most of the time in Rishikesh. You stay in Rishikesh? Yes. Okay. Yes. Most of the time you spend in Rishikesh. Yeah, okay. Yeah. And how is the Indian peoples? Yeah, I actually have like, some are love, some not. Why not? All the peoples are good. I think so. Yeah, it's quite busy sometimes and then... I don't know, in the season it's just okay, like yeah. Everything is mixed up. Yeah, I'll say yeah. Say, what you're saying, ma'am? You are now visiting Nepal? The yes. Three of you or what? Or four of you? No, we three okay. of them visiting Nepal Pokhara and we are YouTubers. Okay. Yeah. Okay. You and live from this? It's your job? Yeah, it's my what job. Are you showing? We are showing the beautiful nature, the beautiful India, exploring all over the world. Okay. Yeah. Culture of India, each and everything. Market of India, place of India, Nepal. Okay. Yes. तो यहाँ पे इसी property में कुछ काम करते हुए मजदूर जो कि यहाँ पे और भी आगे ऊपर बनाएंगे कुछ अलग सा। तो अभी फिलहाल इसमें काम चल रहा है, देख सकते हैं आप सीढ़ियाँ लग रही है और सीढ़ियाँ ऊपर लगा के कुछ अलग और भी यहाँ पे इंटीरियर होगा इस रिसोर्ट में। Wow, really very beautiful. ये देखिए बाहर इस तरह से ये लगी हुई है चेयर्स वगैरह। बारिश आती है तो ये वाइट वाइट जो है ये खोल देते हैं अम्ब्रेला की तरह। तो यहाँ बाहर बैठ के भी आप बारिश का मज़ा ले सकते हो, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ और मज़े ले रही हूँ बारिश का। तो नीचे भी अलग से आपको मेल फीमेल बाथरूम है मिलेगा लॉन्च के पास में ही, जैसे ही आप जाओगे। ये देखिए यहाँ पे है बाथरूम, तो यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो। प्लस आपको रूम में सेपरेट बाथरूम तो है ही, अलग से यहाँ पे और है। तो यहाँ पे भी कुछ काम वगैरह चल रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे भी ये लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो थोड़े दिन बाद यहाँ पे भी हो जाएगा और ऊपर तो कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ बनेगा। तो बहुत कुछ अभी बनना भी बाकी है। बाकी ये तो सारा कुछ प्रिपेयर है। नमस्ते सर। सर ऐसे कितने हट्स हैं यहाँ पे टोटल? टोटल सिक्स रूम है। टोटल सिक्स रूम है, फाइव रूम अलग वाला है। अच्छा, उसमें एक ओनर रहते हैं उसमें। अच्छा, एक ओनर है। अच्छा है बैठने के लिए। ऐसे प्राइस पता है आपको? प्राइस 2000 टू 6000 विद ब्रेकफास्ट। अच्छा, 3000 से स्टार्ट है। अच्छा, तो सबको ऐसे ही इसी टाइप के हट्स मिलते हैं ना? सब ऐसे मिलते हैं। अभी एक कपल को एक हट मिलता है, सिक्स हट्स है टोटल। हाँ जी, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। स्टार्ट। तो अभी आप देख सकती हो बादल और कोहरा बिल्कुल हट गया है। तो अब चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे ही आप बजियंग प्रॉपर्टी से बाहर निकलोगे आपको और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, दी हिल्स। और ये रास्ता देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है।
और प्रॉपर्टी के पास में ही आपको मिलेगा हॉर्स, छोटा सा प्यारा सा घर। तो चलिए चलते हैं अब कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए जो कि सारनकोट में है। देखते हैं पहला डेस्टिनेशन कौन सा होगा। शायद हम लोग जा रहे हैं रोपवे में। तो नेपाल में और क्या क्या प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप सभी नेपाल में रहने वाले मेरे दोस्तों को। तो मुझे नेपाल में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। होपफुली कि मैं वापस नेपाल आऊँ बहुत जल्दी।